Hello everyone, this is Vikas Kumar. Welcome to Marine Tutor Marine Engineering Lectures. This is my second lecture on oil water separator. Last lectures we have already discussed about the rules and regulations regarding the oil water separator, that is oily water discharge regulations as per MARPOL NX1. अब हम इस लेक्चर्स में बात करेंगे कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग डिटेल एंड प्रिंसिपल ऑफ ऑयली वाटर सेपरेटर्स। सो ये जो ऑयली वाटर सेपरेटर्स होती है हमारी दो प्रिंसिपल पे काम करती है। जो हमारी फर्स्ट प्रिंसिपल होती है वो बैक ग्रेविटी प्रिंसिपल होती है। जो सेकंड प्रिंसिपल होती है हमारी कोलेसिंग फिल्टर प्रिंसिपल होती है। और कोलेसिंग फिल्टर इटसेल्फ उसकी जो प्रिंसिपल होती है वो हमारी एज पर स्ट्रोक स्लो पे काम करती है। मीन्स तो हमारी दो प्रिंसिपल में ऑयली वाटर सेपरेटर्स वर्क करती है। फर्स्ट प्रिंसिपल हमारी होती है ग्रेविटी सेपरेशन प्रिंसिपल एंड सेकंड प्रिंसिपल हमारी होती है स्ट्रोक स्लोप प्रिंसिपल। तो इन दो प्रिंसिपल्स पे हम बात करेंगे। ओके, तो हमारी जो फर्स्ट स्टेज पे जो हमारी सेपरेटर्स होती है मींस व्हाटएवर द ऑयली एंड वाटर मिक्सचर्स कम टू द फर्स्ट स्टेज एंड द सेपरेशंस इज बाय ग्रेविटी सेपरेशंस। मैं आपको डिटेल कंस्ट्रक्शंस बाद में बताऊंगा। और जो हमारी सेकंड स्टेज जो होती है वो हमारी कोलेसिंग फिल्टर होती है एंड कोलेसिंग फिल्टर इटसेल्फ वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ स्टोक्स लॉ। एंड व्हाट इज स्टोक्स लॉ, मैंने हमारी जो स्टोक्स लॉ जो होती है वो हमारी सेपरेशन फोर्स होती है। ओके, मींस अगर हम एज पर स्टोक्स लॉ पे बात करें तो हमारी जो सेपरेशन फोर्स होती है Fs इज इक्वल टू पाई बाय 6 डी क्यूब इनटू डेंसिटी ऑफ वाटर माइनस डेंसिटी ऑफ ऑयल इनटू जी। मींस अगर हमारी डेंसिटी डिफरेंस अगर इंक्रीज होगी तो हमारी इफेक्टिव सेपरेशन होगी। तो इस प्रिंसिपल पे हमारी कोलेसिंग फिल्टर वर्क करती है और इस प्रिंसिपल पे हमारी सेकेंड स्टेज जो सेपरेटर सेकेंड स्टेज में जो सेपरेटर्स होती है इसी प्रिंसिपल पे हमारी वर्क करती है। और जो हमारी फर्स्ट स्टेज होती है वो हमारी ग्रेविटी डिफरेंस और जो बोल सकते हैं डेंसिटी डिफरेंस पे हमारी वर्क करती है। तो ये हमारी स्ट्रोक्स लॉ और ये हमारी ग्रेविटी सेपरेशन। नाउ अब आते हैं कंस्ट्रक्शन एंड डिटेल वर्किंग प्रिंसिपल पे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये बताना चाहूंगा ये हमारे बिल जोल्डिंग टैंक है। बिल जोल्डिंग टैंक हमारी क्या होती है, ऑयली एंड वाटर मिक्सचर्स प्रेजेंट होती है। एंड बिल जोल्डिंग टैंक इज लोकेटेड एट अंडरनीथ ऑफ द इंजिन। इंजिन के अंडरनीथ में हमारे बिल जोल्डिंग टैंक लोकेट होती है। वहां पर हमारे जिस जो भी हमारी मरीन ऑक्सिलरी मशीन्स होती है, तो मरीन ऑक्सिलरी मशीन से हमारी लीकेज होती है या जो भी हमारी ऑयली वाटर मिक्सचर्स प्रोड्यूस होती है वो हमारी बिल जोल्डिंग टैंक में जाकर कलेक्ट होती है। ओके, तो ये हमारी बिल जोल्डिंग टैंक है। नाउ ये आप देख सकते हो हमारे बिल्ज पंप है। ओके, यहाँ हमारा बिल्ज पंप है। ये हमारी रेसिप्रोकेटिंग टाइप ऑफ पंप होती है। सेंट्रिफ्यूगल पंप हम यहाँ क्यों नहीं लेते हैं, बिकॉज अगर हम सेंट्रिफ्यूगल पंप लेते हैं तो इट कॉज चर्निंग इफेक्ट। ओके, अब जो मैंने वाल्व बी शो किया ये हमारे बिल्ज होल्डिंग टैंक सक्शन वाल्व है और जो मैंने वाल्व ए शो किया ये हमारी सी वाटर सक्शन वाल्व है। क्लियर। और ये हमारी फर्स्ट स्टेज सेपरेटर्स है और ये हमारी सेकेंड स्टेज सेपरेटर्स है। ओके, और ये हमारी ऑयल डिस्चार्ज मॉनिटरिंग कंट्रोल है और ये हमारी ओवरबोर्ड वाल्व है। तो ये हमारी बेसिक कंपोनेंट्स हमारी होती है ऑयली वाटर सेपरेटर्स में। अब हम बात करेंगे इसकी डिटेल वर्किंग प्रिंसिपल एंड कंस्ट्रक्शंस। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमारी बिल्ज पंप जो होती है रेसिप्रोकेटिंग टाइप ऑफ पंप जो होती है उसे हम स्टार्ट करते हैं और हमारी जो सी वाटर सक्शन वाल्व है इसे हम ओपन करते हैं और हमारी जो बिल्ज होल्डिंग टैंक सक्शन वाल्व है ये हमारी क्लोज पोजिशन पे होती है। ये हमारे बिल्ज पंप स्टार्ट किया, सी वाटर सक्शन वाल्व ओपन किया, थर्ड इज हमारी एयर वेंट ओपन करेंगे। आप यहाँ देख सकते हो मैं यहाँ एयर वेंट बना हुई, हमारी वाल्व होती है, हमारी वाल्व ओपन करेंगे। अब हमारी क्या होगी, जो बिल्ज पंप होगी वो हमारी क्या होती है, सी वाटर हमारी डिलीवर करेगी हमारी सेपरेटर्स पे। ओके, हमारी सेपरेटर्स पे हमारी सी वाटर डिलीवर करेगी बोथ स्टेज वन सेपरेटर्स एंड स्टेज टू सेपरेटर्स। सो नो और क्वेश्चन इज व्हाई वी नीड टू फीड वाटर इन टू द सेपरेटर्स एंड आंसर इज टू रिमूव एयर। Means some air is present inside the separator, so we require to remove those air. Now our second question is why we need to remove air. जो ऐसे जो questions होते हैं, ये interviewer आपसे पूछते हैं या surveyor आपसे पूछते हैं और वो judge करते हैं आपकी intellectual thinking को. So be prepared for all these type of questions जो मैं आपको discuss करूँगा. So जो हम air remove करते हैं, so why we need to remove air? Because the capacitance of air is nearly equal to the capacitance of oil. मैं इस sentence को आपको explain करूंगा। अगर आपको ये already पता है इस sentence का मतलब तो आप नीचे comment box में आप comment कर सकते हो। But मैं lectures में जब capacitance probe के बारे में पढ़ाऊंगा तो मैं फिर से इस sentence पर आऊंगा। So we required to remove air because the capacitance of air is nearly equal to the capacitance of oil. That's why we need to remove air from these separators. Now. अब हमारी क्या होगी, हमारी वाटर फीड हो चुकी है, एयर हमारी रिमूव हो चुकी है और जो भी हमारी वाटर जो होगी हमारी ओवरबोर्ड वाल्व के थ्रू हमारी डिस्चार्ज हो जाएगी। ओके, नाउ अब ये हमारी क्या है, ये जो सी वाटर सक्शन लाइन जो है वो हमारी क्लियर हो चुकी है। ओके,
नाउ सेकेंड प्रोसेस, अब हम क्या करेंगे, बिल्ज पंप हमारी स्टार्ट है, अब हम क्या करेंगे, बिल्ज होल्डिंग टैंक सक्शन वाल्व ओपन करेंगे, जिससे हमारी क्या होगी, बिल्ज होल्डिंग टैंक में जो भी ऑयली वाटर मिक्सचर प्रेजेंट होती है वो हमारी सक करेगी और ये हमारी फर्स्ट टेस्ट सेपरेटर्स में हमारी फीड होगी। नाउ हमारी फर्स्ट टेस्ट सेपरेटर्स किस प्रिंसिपल पे काम करती है, मैंने स्टार्टिंग में क्या बताया था, हमारी ग्रेविटी सेपरेशंस पे हमारी काम करती है। तो ग्रेविटी सेपरेशंस होती क्या है, जनरली आप घर पे भी देखो, अगर एक कप लेते हो, कप में सबसे पहले आप वाटर फीड करते हो, उसके बाद ऑयल आप पोर करते हो, तो आपने देखा होगा हमारी ऑयल की जो लेयर होती है टॉप लेयर पे होती है और हमारी वाटर की जो लेयर होती है हमारी बॉटम लेयर पर होती है। ओके, व्हाई, क्यों ऐसा हो रहा है, बिकॉज ऑफ डेंसिटी डिफरेंस एंड दैट इफेक्ट इज ओनली कॉल्ड ग्रेविटी सेपरेशंस। तो हमारे वहां ग्रेविटी सेपरेशंस होती है, तो सेम यहाँ पर हमारी सेपरेटर्स में क्या है, जो भी हमारी लाइटर पार्टिकल्स होगी, जो भी हमारी ऑयल होगी, वो हमारी कलेक्टिंग चैम्बर मीन्स ऑयल कलेक्टिंग स्पेस होती है वो हमारी कलेक्ट हो जाती है, और जो भी हमारी वाटर जो होती है वो हमारी कलेक्टर्स के मीन्स सेपरेटर्स के हमारी बॉटम पे हमारी कलेक्ट होती है। क्लियर? नाउ अब आप देख रहे होंगे ये मैंने बैफल प्लेट्स बनाया, ये हमारी बैफल प्लेट्स बनाया है, और इसे हम बोल सकते हैं कैचर प्लेट्स भी बोल सकते हैं। ओके, अब हमारी ये क्या होती है, ये हमारी एब्जॉर्बेंट मटेरियल से बनी हुई होती है, मीन्स ये एब्जॉर्बेंट मटेरियल प्रिंसिपल यहाँ होती है, मीन्स इट एब्जॉर्ब ऑयल रेदर देन वाटर, मीन्स हमारी क्या होती है, ऑयल जो हमारी होती है स्टिक हो जाती है, मीन्स ऑयल को ये कैच करता है, दैट्स व्हाई बैफल प्लेट्स इज ऑल्सो नोन एज कैचर प्लेट्स, ये हमारी कैचर प्लेट्स या बैफल प्लेट्स होती है। अब हमारी क्या है, ऑयल कलेक्टिंग स्पेस है हमारी, ये हमारी ऑयल कलेक्टिंग स्पेस, अब यहाँ पर क्या हुई, हमारी ऑयल जो होगी वो हमारी कलेक्ट होगी, ये आप देख सकते हो, ये हमारी ऑयल जो होगी ये हमारी कलेक्ट हो चुकी है, और हमारी बॉटम में हमारी वाटर कलेक्ट है। व्हाई? बिकॉज ऑफ डेंसिटी डिफरेंस बिटवीन दीज टू, एंड दैट इफेक्ट इज ओनली कॉल्ड ग्रेविटी सेपरेशन इफेक्ट। नाउ अब हमारी क्या होगी, अब ये हमारी कैपेसिटर प्रोब है, ये जो मैंने शो किया है ये हमारी कैपेसिटर प्रोब है, मैंने यहाँ पर यहाँ सेकेंड स्टेज में भी हमारी कैपेसिटर प्रोब होती है, मैंने यहाँ पर आपको शो किया है, सेम हमारी ये होती है कैपेसिटर प्रोब। अब हमारी कैपेसिटर प्रोब में हमारी एक कैपेसिटर सेंसर लगी हुई है। ओके, और वो हमारी सेंसर क्या होती है, हमारी ऑयल को सेंस करती है, हमारी ऑयल को सेंस करती है, और हमारी जो सिग्नल होती है वो हमारी किसे सेंड करती है, कंट्रोल स्विच को सेंड करती है, और हमारी कंट्रोल स्विच जो होती है फर्दर सिग्नल किसे सेंड करती है, आप देख रहे हो मैंने ये लाइन बनाया, और ये हमारी जो है सोलेनोइड वाल्व, ये हमारी सोलेनोइड वाल्व को ये हमारी फर्दर हमारी सिग्नल सेंड करती है। अब हमारी सोलेनोइड वाल्व क्या करती है, ये हमारी सोलेनोइड वाल्व फर्दर हमारी न्यूमेटिक डायफ्राम जो होती है उसे हमारी सिग्नल मीन्स उसे ऑपरेट करती है। अब हमारी न्यूमेटिक जो ऑपरेटेड वाल्व जो न्यूमेटिक ऑपरेशन जो है हमारी क्या करती है, कंट्रोल एयर सप्लाई करती है, और ये हमारी ऑयल सेपरेट ड्रेन वाल्व को ऑपरेट करती है, और हमारी ड्रेन वाल्व ओपन होती है, और हमारी जो भी ऑयल कलेक्ट होती है इस चैम्बर पे, अब हमारी ऑयल डिस्चार्ज हो जाती है और ये कलेक्ट हो जाती है सेपरेटेड ऑयल टैंक पे। नाउ कम टू माय फर्स्ट सेंटेंस, मैंने बोला था व्हाई वी नीड टू रिमूव एयर, एंड आवर आंसर इज बिकॉज द कैपेसिटेंस ऑफ एयर इज नियरली इक्वल टू कैपेसिटेंस ऑफ ऑयल। इफ एयर इज प्रेजेंट इनसाइड दिस सेपरेटर, कैपेसिटेंस प्रो और कैपेसिटेंस सेंसर सेंस एयर इंस्टेड ऑफ ऑयल एंड इट्स गिव फॉल्स सिग्नल टू द कंट्रोल स्विच एंड फर्दर व्हाट एवर द सेपरेशंस हमारी हैम्पर्स हो सकती है, इसलिए हम जो एयर होती है उसे हम रिमूव करते हैं, और ये हमारी टेक्निकल एक्सेप्टेड आंसर है। मींस क्या होती है, हमारी कैपेसिटेंस ऑफ ऑयल एंड कैपेसिटेंस ऑफ एयर हमारी क्या होती है, इक्वल होती है, तो हमारी कैपेसिटेंस प्रोब है वो हमारी कैपेसिटेंस सेंस करेगी, तो हमारी एयर एंड ऑयल की कैपेसिटेंस इक्वल है, तो हमारी क्या करेगी, कैपेसिटेंस एयर को सेंस करेगी इंस्टेड ऑफ ऑयल, एंड हमारी रोंग सिग्नल कंट्रोल स्विच को प्रोवाइड होगी, एंड अगेन हमारी कंट्रोल स्विच क्या करती है, सोलेनोइड वाल्व को हमारी सिग्नल प्रोवाइड करती है, एंड अगेन सोलेनोइड वाल्व क्या होती है, हमारी डायफ्राम और न्यूमेटिक डायफ्राम हमारी ऑपरेट करती है, और हमारी कंट्रोल एयर सप्लाई होती है, तो हमारे पर पूरा सिस्टम में हमारी फोर्स सिग्नल जनरेट हो जाएगी, दैट्स व्हाई वी नीड टू रिमूव एयर फ्रॉम दिस सेपरेटर्स। तो ये हमारी एक टेक्निकल एक्सेप्टेड आंसर होती है जो मैंने आपको ये बताया। ओके, नाउ अब मैंने क्या बोला, जो हमारी ऑयल जो प्रेजेंट थी वो हमारी सेपरेटेड ऑयल टैंक पर हमारी आ चुकी है। नाउ अब जो हमारी वाटर जो यहां पर सेपरेट हुई है, और ये जो वाटर जो होती है ये हमारी 100 ppm होती है, ये 100 ppm तक सेपरेट हुई है। नाउ अब यह जो हमारी वाटर जो होती है, अब ये हमारी इस लाइन से हमारी ये सेकेंड स्टेज में फीड होती है,
एंड सेकेंड स्टेज में हमारी दो चैम्बर होती है, हमारी राइट चैम्बर होती है और ये हमारी लेफ्ट चैम्बर होती है। एंड राइट एंड लेफ्ट चैम्बर में हमारी क्या होती है, कोलेसिंग एंड फिल्टरिंग अरेंजमेंट होती है। ओके, कोलेसिंग एंड फिल्टरिंग अरेंजमेंट होती है, जो मैंने आपको बताया था कोलेसिंग फिल्टर जो होती है और कोलेसिंग अरेंजमेंट जो होती है वो हमारे किस प्रिंसिपल पे काम करती है। Fs is equal to pi by 6 d cube into difference in density of water and oil into g. Okay, means ये Stokes law पे हमारे इसकी working principle काम करती है। और यहाँ पर भी हमारी क्या होती है, oil and water separates होती है। तो हमारी आप देख सकते हो हमारी जो भी हमारी water जो होगी, okay, means water में कुछ oil particles होंगे क्योंकि इनकी अभी भी 100 ppm है। Okay, तो हमारी क्या होगी, हमारी ये separates होगी and again ये हमारी क्या होगी, again हमारी collecting chamber पे आएगी। मीन्स हमारी यहाँ पर अगेन इस टॉप पार्ट पे हमारी अगेन हमारी ग्रेविटी मीन्स सेम कंडीशन आ रही है, मीन्स ग्रेविटी सेपरेशन हो रही है। एंड यहाँ पर हमारी जो कोलेसिंग फिल्टर अरेंजमेंट, यहाँ पर हमारी स्ट्रोक्स लॉ प्रिंसिपल फॉलो कर रही है। मीन्स इस चैम्बर में दो प्रिंसिपल काम कर रही है, जो हमारी कोलेसिंग एंड फिल्टरिंग अरेंजमेंट है यहाँ पर हमारी स्ट्रोक्स प्रिंसिपल काम कर रही है, और जो हमारी टॉप पर है हमारी क्या है, टॉप पर क्या हो रही है, ऑयल हमारी कलेक्ट हो रही है और जो वाटर जो है हमारी हैवियर पार्टिकल वो हमारी सेकेंड स्टेज पे हमारी एंटर कर रही है। ओके, तो हमारी सेम यहाँ पर भी होगी, ऑयल कलेक्ट होगी तो अगेन हमारी कैपेसिटर प्रोब सेंसेस दी ऑयल। ओके, एंड इट गिव सिग्नल टू दी कंट्रोल स्विच एंड अगेन कंट्रोल स्विच ऑपरेट दिस सोलेनोइड वाल्व एंड अगेन सोलेनोइड वाल्व ऑपरेट दिस डायफ्रागम वाल्व एंड अगेन थ्रू डायफ्रागम हमारी क्या होगी, ये आप देख सकते हो हमारी जो ऑयल ड्रेन वाल्व जो होगी वो हमारी ओपन होगी और हमारी सेपरेटेड ऑयल टैंक में हमारी ऑयल जो होगा हमारी फीड हो जाएगी। तो ऐसे हमारी सेम इन दोनों हमारी सेम प्रिंसिपल उतना हो। अब हमारी क्या है, वाटर जो है अब हमारी सेकेंड स्टेज जो हमारी लेफ्ट चैम्बर हमारी कोलेसिंग एंड फिल्टरिंग अरेंजमेंट्स हमारी पास होगी, अगेन यहाँ पर हमारी सेपरेशंस होगी एंड जो हमारी सेपरेशंस होगी यहाँ पर जो उसकी वाटर की ppm होगी अप टू हमारी 15 ppm तक ये हमारी अचीव करेगी। अब ये हमारी पूरी सेपरेशन होगी एंड अगेन ये हमारी ओवरबोर्ड लाइन मीन्स ये हमारी डिस्चार्ज लाइन के थ्रू हमारी ये आप देख सकते हो ये हमारी ओवरबोर्ड वाल्व हमारी ओपन रहेगी और हमारी डिस्चार्ज होगी। बट कब, जब हमारी जो वाटर की ppm जो होगी वो हमारी 15 ppm और लेस देन 15 ppm, ये हमारी केस वन है एज पर मार्पोल एनएक्स वन। बट सपोज अगर हमारी सेकेंड स्टेज में जो भी हमारी कोलेसिंग एंड फिल्टरिंग अरेंजमेंट हो रही है मीन्स कोलेसिंग एंड फिल्टरिंग हो रही है, अगर सपोज हमारी ppm ग्रेटर देन 15 ppm आती है तो आप देख सकते हो जो भी हमारी डिस्चार्ज लाइन है वहां पर एक हमारी टैपिंग है और ये आप देख सकते हो हमारी टैपिंग है और ये हमारी टैपिंग ऑयल कंट्रोल मॉनिटरिंग सिस्टम पर हमारी फीड हो रही है। मीन्स हमारे क्या होता है, कुछ सैंपल जो होती है हमारी ऑयल कंट्रोल मॉनिटरिंग सिस्टम जो होती है वो लेती है और वहां पर वो रीड करती है उसकी ppm कितनी है। सपोज अगर हमारी ppm ग्रेटर देन 15 ppm होती है, सपोज मैं यहाँ कंसीडर करता हूँ 15.1 अगर हमारी ppm अगर हमारी ये रीड करती है OCMS, देन क्या होगी हमारी OCMS जो होती है ऑयल कंट्रोल मॉनिटरिंग सिस्टम जो होती है या हमारी सोलेनोइड वाल्व को ऑपरेट करेगी एंड सोलेनोइड वाल्व जो होती है हमारी थ्री वे वाल्व को ऑपरेट करेगी और हमारी जो पाथ होगी जो हमारी ओवरबोर्ड लाइन की जो पाथ होगी उसको ब्लॉक कर देगी और हमारी क्या होगी जो भी हमारी ये वाटर मिक्सर जो आ रही है हमारी अगेन रिटर्न हमारी हो जाएगी बिल्ज टैंक में। आप देख सकते हो वाटर हमारी ऐसे आ रही है और अगेन ये हमारी रिटर्न हो जाएगी बिल्ज होल्डिंग टैंक में, अगर अगेन हमारी सेपरेशन होगी अंटिल हमारी 15 ppm अचीव नहीं हो जाती है तब तक एज पर मार्पोल एनेक्स वन। तो ये हमारी ऑयल कंट्रोल मॉनिटरिंग सिस्टम्स होती है जो हमारे इंश्योर करती है अगर हमारी वाटर की अगर हमारी डेंसिटी 15 ppm या लेस देन 15 ppm है तभी हमारी ओवरबोर्ड होगी एंड अगर मोर देन 15 ppm है तो अगेन हमारी रिसर्कुलेशन होगी बिल्ज होल्डिंग टैंक में एंड अगेन हमारी सेपरेशन प्रोसेस हमारी कंटिन्यू होगी। तो हमारी ऑयल कंट्रोल मॉनिटरिंग सिस्टम्स होती है। नाउ अब हम बात करेंगे ऑयल कंटेंट मॉनिटरिंग सिस्टम मींस 15 ppm डिवाइस। तो ये हमारी 15 ppm डिवाइस है। इससे पहले जो मैं एक्सप्लेनेशन कर रहा था जो हमारी डिस्चार्ज लाइन से हमारी टैपिंग जा रही थी वो हमारी OCMS में जा रही थी, सेम हमारी उसकी कंस्ट्रक्शंस है और वो हमारी कैसे इंश्योर करती है वेदर जो भी हमारी वाटर जो हमारी डिस्चार्ज लाइन से हमारी आ रही है वो हमारी 15 ppm है या नहीं, तो ये हमारी उसकी कंस्ट्रक्शनल डिटेल है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो ये हमारी फोटो सेल है, हमारी दो फोटो सेल्स प्रेजेंट है, हमारी फोटो सेल्स वन और यहाँ भी हमारी फोटो सेल्स टू।
ओके अब हमारी पास यहाँ हमारी वन लाइट अरेंजमेंट है। हमारी वन लाइट अरेंजमेंट क्यों है? क्योंकि हमारी सेम इंटेंसिटी चाहिए होता है। अब यहाँ पर हमारी दो टर्मिनोलॉजी होती है, एक हमारी रेफरेंस होती है और एक हमारी मेजरिंग होती है। मींस वन इज रेफरेंस सैंपल एंड अदर इज मेजरिंग सैंपल। तो हमें जो रेफरेंस सैंपल जो लेनी होती है वो हमारी लेस देन और इक्वल टू 15 ppm लेते हैं। जो हमारी ये साइड जो होगी, ये हमारी जो होगी, ये हमारी होगी, हमारी रेफरेंस सैंपल होगी, ओके। और जो हमारी मेजरिंग सैंपल होगी वो हमारी मीन्स जो हमारी ओली वाटर सेपरेटर से, जो हमारी डिस्चार्ज लाइन से जो हमारी वाटर जो हमारी सप्लाई हो रही है, ओके, जो हमारी वाटर आ रही है वो हमारी सैंपल होती है, ओके। तो अब यहाँ पर हमारी वन इंटेंसिटी लाइट है, मीन्स हमारे ने एक लाइट लिया तो हमारी सेम इंटेंसिटी होगी। सपोज अब यहाँ पर प्रिंसिपल क्या होता है, जो भी हमारी इंटेंसिटी ऑफ लाइट जो होती है, ओके, इंटेंसिटी ऑफ लाइट जो होती है, अगर हमारी क्लियर सॉल्यूशन है, मीन्स अगर हमारी ऑयल कंटेंट नहीं है तो हमारी इंटेंसिटी ऑफ लाइट इंक्रीज होगी। अगर हमारी सैंपल में ऑयल कंटेंट है तो हमारी इंटेंसिटी ऑफ लाइट डिक्रीज होगी। तो हमारी मेजरिंग सैंपल है जो हमारी ओडब्ल्यूएस से आ रही है, तो यहाँ पर अगर ऑयल कंटेंट होगी तो हमारी इंटेंसिटी ऑफ लाइट यहाँ क्या होगी, लेस हो जाएगी। बट यहाँ पर तो हमारी क्लियर सॉल्यूशन है, मींस क्लियर सॉल्यूशन रेफर्स टू यर मींस 15 ppm और लेस देन 15 ppm सॉल्यूशन है। तो यहाँ पर हमारी क्या होगी, इंटेंसिटी ऑफ लाइट ग्रेटर रहेगी और यहाँ पर हमारी ऑयल कंटेंट होगी तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट हमारी इंक्रीज हो जाएगी। तो ये हमारी सेपरेशन प्रोसेस होती है और कंपैरेटर होती है, दोनों हमारी वैल्यू कंपेयर होती है और जो हमारी प्रीडोमिनेंट वैल्यू हमारी सेट होती है। तो ऐसे हमारी 15 ppm डिवाइस हमारी काम करती है। तो ये आज हमारी पूरी ऑयली वाटर सेपरेटर्स की लेक्चर्स थी। नेक्स्ट लेक्चर में हमारी जो थर्ड लेक्चर होगी, हम लोग बात करेंगे कुछ ट्रबल शूटिंग्स क्या होती है ऑयली वाटर सेपरेटर्स में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करें। मरीनी ट्यूटर ऐसी टेक्निकल वीडियोस आपके लिए हमेशा लाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।